हेलो। हाँ ओम राउत भैया, आपने तो कहा था रामायण बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। रामायण के नाम पे कौन सी सुपर हीरो मूवी दिखा दी भाई। अच्छा एक और बात सुनिएगा, वो जो हमने आपको फरारी भिजवाई थी ना, वो वापस करवा दीजिएगा, है ना। हेलो हेलो, फोन काट दिया। आदि पुरुष आदि पुरुष और एक और बार आदि पुरुष, तो कहाँ से शुरुआत करें इस रोस्ट वीडियो का, मेरा मतलब है इस रिव्यू वीडियो का। देखो वीडियो शुरू करो उससे पहले दो बातें बता देता हूँ। पहली बात, आदि पुरुष मूवी का VFX बुरा नहीं है, वाही याद है। तो अगर तुम मूवी को VFX के लिए देखना चाह रहे हो तो भाई मत जाओ, तुम्हारे पैसे बच जाएंगे, अपने 100-150 रुपए जितने भी है वो बचा लो। और दूसरी बात, अगर तुम रामायण के लिए आदि पुरुष को देखना चाह रहे हो कि एक परफेक्ट अडेप्टेशन तुम्हें देखने को मिल जाए, तो तुम बिल्कुल भी मत जाना, भूल के मत जाना थिएटर के पास। पता है क्यों? क्योंकि मूवी एक्यूरेट तो दूर, एक्यूरेट के आसपास भी नहीं है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि अगर मूवी में सब कुछ बुरा ही है तो लोग देखेंगे क्यों, तुम क्यों देखोगे इस मूवी को। ऐसा नहीं है कि मूवी में सब कुछ बुरा है, मूवी में अच्छी बातें भी हैं। जैसे मूवी का सॉन्ग बहुत अच्छा है और मूवी के BGMs बहुत तगड़े हैं और कुछ जगह पे डायलॉग्स भी बहुत सही हैं। और प्रभास मिल रहा है भाई तुमको देखने के लिए, तुम पिक्चर क्यों नहीं देखोगे भाई। प्रभास स्वयं है भाई पिक्चर में, और क्या चाहिए तुमको। खैर जोक्स अपार्ट, देखो आदि पुरुष रामायण बनने की कोशिश कर रही थी बट वो बन नहीं पाई और एक बहुत बुरा एग्जाम्पल बन के रह गई कि भाई कुछ भी करना बट रामायण का अडेप्टेशन बनाना तो आदि पुरुष जैसा मत बनाना, एक एग्जाम्पल तो सेट करके चली गई है। तो इसी नोट पे सबसे पहले अपन नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं कि मूवी में एक्चुअली में क्या क्या बुरा है। अब देखो यहाँ पे मैं VFX और CGI की बात बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि उस पर ऑलमोस्ट अपन ने 4-5 वीडियोस बना रखी है कि भाई VFX खराब है, CGI खराब है, पिक्चर में भी वैसा ही है, तो कुछ नया नहीं है बात करने का। सबसे पहले तो देखो मूवी बहुत रश्ड फील होती है और जल्दीबाजी में लगती है, जो कि ऑब्वियस भी है क्योंकि रामायण एक बहुत बड़ी एपिक है। रामायण में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, अगर उनकी प्रॉपर डेप्थ असली डेप्थ को पकड़ा जाए तो हर एक कैरेक्टर पे सोलो मूवी बन सकती है। इंद्रजीत, विभीषण, लक्ष्मण, हनुमान, जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब पे एक सोलो मूवी बन सकती है, लेकिन तुमने उनको एक ही पिक्चर में कवर करने की कोशिश की जिसकी वजह से मूवी रश्ड फील होती है और इसी वजह से मूवी के अंदर किसी भी कैरेक्टर को प्रॉपर डेप्थ नहीं मिली है और बहुत सारे मेजर इवेंट को स्किप करते हुए जो है मूवी वो अपने फाइनल एक्ट की तरफ बढ़ती है और ऐसे में ना बहुत सारी चीजों में गैप भी छोड़ दिया गया है और उन गैप्स को कैसे फिल करना है वो तुम पे है क्योंकि भाई तुम्हें तो रामायण पता है तो तुम खुद डिसाइड कर लो मूवी वाले क्यों दिखाएं। अब इसके अलावा कैरेक्टर के लुक्स की मैं बात करूं तो भाई साहब आहा आनंद आ जाता है। विभीषण और इंद्रजीत का कैरेक्टर ऐसा है कि भाई ये लोग रावण के भाई कम और हातिम ज्यादा लगते हैं, लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मूवी के अंदर 2-3 बार जब इनको दिखाया जाता है मैं इनको सीरियसली नहीं ले रहा था। अच्छा हुआ कि इन लोगों ने अपना इंट्रो दे दिया कि भाई मैं विभीषण हूँ और ये इंद्रजीत है, तब जाके मैंने इनको सीरियसली लिया और ये सोचा कि भाई साइड कैरेक्टर नहीं है। इसके अलावा जो मूवी का टीजर आया था सबसे पहला पहला, उसमें जब हमें रावण के 10 सर दिखाए गए थे उससे लोग बहुत नाखुश थे, तो उसको चेंज जरूर कर दिया गया है। मतलब जिस तरह से वो दिखता है उसको चेंज कर दिया गया है बट अभी भी जैसा वो दिख रहा है कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि उसके सर के नीचे आयरन मैन के हाथ वाला रिपल्सर लगा दिया है और वैसे रिपल्सर वाला एनर्जी बीम नीचे से छोड़ रहा है जिसकी वजह से उसके सर जो है वो हवा में फ्लोट कर रहे हैं, बहुत अजीब लगता है देखने में। अब अगर मान लो कि तुम घर से कहीं बाहर निकलते हो और तुम्हें रास्ते में चलता हुआ मिल जाता है ओम राउत, तो एक है ना ठीक मेरे तरफ से भी और एक अपने तरफ से जमा देना। पता है क्यों? क्योंकि भाई बंदे ने कॉस्ट कटिंग बड़ी तगड़ी की है। किन एक्टर्स को कास्ट किया है, जो लोग रील बनाते हैं उनको, और भाई उन एक्टर से तो परफॉर्मेंस की उम्मीद तो ना ही रखो। मतलब इंद्रजीत का कैरेक्टर जिस तरह है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसमें ना डेप्थ लगी ना भाई वो टेरर फील करवा पाता है। और ये तो भाई कुछ मेजर हाइलाइट्स हैं नेगेटिव्स वाले सेक्शन में, अब इस पे मैं डीप में जाऊंगा तो शायद एक बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, लेकिन अभी के लिए इतना काफी है और अपन बात करते हैं थोड़े बहुत जो गिने चुने पॉजिटिव्स हैं मूवी के अंदर उनके बारे में। अब मूवी के अंदर सबसे बड़ी हाईलाइट और जो ऐसी चीज है जिसको अप्रिसिएशन चाहिए वो मूवी का म्यूजिक है। अजय अतुल भैया ने जो भी काम किया है मूवी के म्यूजिक में वो दिखता है। मूवी के लिरिक्स बहुत शानदार है, गाना बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक तुम्हें पंप फील करा देता है और जब भी बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है गूज़बम्स आ जाता है, मैं खुद चिल्लाने लगा था 4-5 जगह पे। और भाई जितने भी राघव और जानकी के हमें शॉर्ट्स दिखाए गए हैं वीडियो सॉन्ग के थ्रू, मतलब जब गाना बज रहा हो ये दोनों सामने स्क्रीन पे दिख रहे हो, वो सीन्स पता नहीं क्यों बहुत अच्छे लगते हैं। शायद अच्छी तरह से उन पे मेहनत किया गया है और भाई विजुअली बहुत प्लीजिंग लगते हैं। एंड यकीन मानो मूवी का सबसे बेस्ट VFX इसी जगह पे किया गया है। इसके अलावा मूवी के डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हैं। हाँ मुझे पता है कि राम भगवान के ऊपर ऐसे डायलॉग्स अच्छे नहीं लगते, मतलब जो 2-3 डायलॉग्स हैं मूवी के अंदर वो थोड़ा ओवर द टॉप लगते हैं और राम भगवान के कैरेक्टर पे सूट नहीं करते, बट जिस तरह से इस मूवी के अंदर राघव को पोर्ट्रे किया गया है प्रभास के द्वारा उस कैरेक्टर पे तो ये बिल्कुल सूट करते हैं डायलॉग और देखो सुनने में मजा भी आता है। इसके अलावा मैं पर्टिकुलरली वाली और सुग्रीव के बीच की जो फाइट होती है उसको एड्रेस करना चाहूंगा, जो कि बहुत पावरफुल और रफ फील होती है। मतलब देखने में लगता है कि हाँ भाई कोई दो पावरफुल बंदे लड़ रहे हैं और जिस तरह से वाली सुग्रीव को पीटता है वो बहुत पावरफुल और रॉ लगता है। एंड हाँ इसी फाइट के एंड में जो भी चीजें होती हैं वो चीजें असली रामायण में शायद नहीं हुई थी, मतलब जहां तक मैंने अभी रामायण को देखा है किसी भी एनिमेटेड मूवी या फिर किसी TV सीरीज के थ्रू,
उनमें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो शायद कुछ यूनिक करा यहाँ पे मूवी के मेकर्स ने। एंड वो चीज़ सही लगती है सुग्रीव के कैरेक्टर के साथ जो भी होता है यहाँ पे। एंड इस फाइट के एंड में जो भी होगा ना, वो शायद तुम्हें भी थोड़ा बहुत हैरान कर दे। यकीन मानो ये चेंज बहुत ज़्यादा सेंस बनाता है, और ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस बहुत सी जगह पे किए गए मूवी के अंदर। जैसे हनुमान जी के साथ एक ऐसा ही सीन था जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं। अभी तक की जो और मीडिया फॉर्म में हमने देखा है तो उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि भाई हनुमान जी ये भूल गए थे संजीवनी कैसी दिखती है, जिस वजह से वो पहाड़ उठा के लेके चले जाते हैं। लेकिन मूवी के अंदर एक अलग टेक लिया गया और यहाँ पे हनुमान जी किसी और रीजन की वजह से पूरा पहाड़ लेके जाते हैं। ये चीज ज्यादा सेंस बनाती है और देखने में भी अच्छी लगती है, और तुम मूवी अगर देखोगे तो तुम रिलेट कर पाओगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कमेंट में गालियां देने जाने वाले हो कि भाई तू पागल है क्या, रामायण को बदलेगा, रामायण जैसी है वैसी ही अच्छी लगती है। तो देखो मूवी के स्टार्टिंग में उन लोगों ने एक डिस्क्लेमर देके इसको जस्टिफाई कर दिया है, जहां उन्होंने ये बताया है कि एक भक्त अपने भगवान को किसी भी रूप में इमेजिन कर सकता है। एंड जितनी भी जगह पे चेंजेस किया है वो अब तक आए किसी भी दूसरे मीडिया फॉर्म में, चाहे वो एनिमेटेड मूवी हो या फिर टीवी सीरीज हो, उनसे तो मुझे बेहतर ही लगे। इसके अलावा मूवी के अंदर कृति सेनन की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। एट द एंड ऑफ द डे सिंपल सीधे शब्दों में कहना चाहूंगा कि अगर रामायण के परफेक्ट अडॉप्टेशन देखना चाहते हो तो आदिपुरुष बिल्कुल मत देखना, बट अगर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मूवी देखने जा रहे हो तो बिल्कुल देखो, मजे से देखो, मूवी तुम्हें बोर नहीं करेगी। मूवी का वीएफएक्स भले ही थोड़ा कंसर्निंग है, थोड़ा नहीं बहुत कंसर्निंग है, लेकिन फिर भी मूवी का बीजीएम तुम्हें पंप अप कर देता है। एंड भाई स्क्रीन में जो चीजें चल रही होती है लार्ज देन लाइफ, वो चीजें तुम्हें बोर नहीं होने देती, एक्साइटिंग फील कराती है और गूज़बम्स आते रहते हैं मूवी के अंदर। एंड बहुत सी जगह ऐसी है कि शायद तुम तालियां भी पीटने लगो अपनी सीट से उठ के। मूवी एंजॉयबल तो है देखो। बाकी अगर आपको लगता है कि आदिपुरुष अपना बजट नहीं कवर कर पाएगी और शायद इंडियन सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी फ्लॉप मूवी होगी अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में, तो आप बहुत ही ज्यादा गलत हो। मूवी अपने बजट का ऑलमोस्ट डबल कलेक्शन करेगी, यानी कि 1300 से 1400 करोड़ के बीच में। एंड मैंने इसके बारे में पर्टिकुलरली इस वीडियो के अंदर बात की है, जहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो इस वीडियो के बाद इसको भी चेकआउट कर सकते हो तुम। बाकी अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। मेरा नाम है अविनाश, अब मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।